मथुरा शहर का नाम स्मार्ट सिटी में आने पर नगर निगम द्वारा शहर को स्मार्ट बनाने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, जिसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान मुख्य रूप से शामिल है। नगर निगम को काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि रामगंगा किनारे कुछ लोगों ने गंगा की जमीन पर कब्जा करके अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेच दिया है, जिस पर नगर निगम द्वारा समय समय पर कार्यवाही की जाती रही है। दरअसल अभी कुछ समय पहले से प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई कि चक्कर की मिलक से लगी रामगंगा के तट पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं, जिस पर मंडलायुक्त द्वारा नगर निगम को जांच के आदेश दिए गए, जिसमें मामले में सच्चाई पाई गई, जिसको देखते हुए आज नगर निगम टीम व पुलिस प्रशासन की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ गंगा किनारे का अतिक्रमण हटाने पहुंची, जिसका लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने भी लोगों को एकत्रित होता देख और पुलिस बल मौके पर बुला लिया, जिनकी निगरानी में अवैध रूप से बने मकानों को नगर निगम जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम द्वारा गिराए गए मकानों के मालिकों द्वारा नगर निगम को मकानों की रजिस्ट्री भी दिखाई गई, लेकिन नगर निगम द्वारा उनको पूर्ण रूप से गलत बताते हुए ये कार्यवाही की गई। इस बारे में जब सिटी मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व से कई प्रकार की शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हो रही थी कि रामगंगा नदी के किनारे लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तो लगातार इस प्रकार की जब शिकायतें प्राप्त होती रही तो मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में इसमें इस पर जांच का विश्राम गंभीरता से इसको लिया गया और गंभीरता से लेने के पश्चात एक बैठक होने के पश्चात इसमें निर्णय लिया गया कि रामगंगा नदी के किनारे जो भी हमारा दूब का क्षेत्र है उसमें किसी प्रकार का अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे नियमतः वहाँ से हटाया जाए। उसी क्रम में फिर एक टीम बनी, इसमें पुलिस के लोग हैं, पीएससी के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, नगर निगम से पनगरायक महोदय स्वयं यहाँ मौजूद हैं। हम सभी लोगों के माध्यम से एक संयुक्त टीम बनाकर यहाँ पर हम लोग आए हैं और जो भी हमारा निर्धारित जो एक मानक था, जिससे हम लोगों ने पहले ही डिमार्केट कर चुके हैं हम लोग इसको, उस क्षेत्र में जो भी लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किए गए थे उन सारे अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर तकरीबन 25 लोगों के द्वारा मकान नहीं कह सकते उसको, कुछ लोगों ने कुछ प्लॉटिंग की थी, किसी ने कुछ दीवार 8 फीट 10 फीट तक बना ली थी, कई लोगों ने इसमें गेट लगा लिए थे, इस प्रकार के थे। उन सभी को अतिक्रमण के हटा के अतिक्रमण को हमने हटाने का काम यहाँ पर किया है। इसमें लोगों के द्वारा जो कि सभी लोगों को पता है कि ये रामगंगा नदी के दूब का क्षेत्र आता है और हमारी इस जो भी ज़मीन होती है सरकारी ज़मीन होती है, इसमें इस प्रकार में जो मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने इसको पूरी संयुक्त टीम के माध्यम से फिर हटाने का इसमें काम किया है आज। ये चीज़ यहाँ पर आने के पश्चात संज्ञान में आई है, कई लोगों ने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्री कागज़ हमें दिखाए कि हम लोगों ने किन्हीं लोगों से रजिस्ट्री खरीदी है, तो ये एक जाँच का विषय है। इसमें निश्चित तौर पर जाँच की जाएगी कि कैसे एक सरकारी ज़मीन को किसी के द्वारा विक्रय कर दिया गया और गरीब लोगों को इस तरीके से बेचकर फिर इस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर थोड़ी दुखदाई होती है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है और हम सभी लोग जानते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी, शासन आदेश के क्रम में भी, सरकार की एंटी मुफाफिया की जो मुहिम चल रही है उसके क्रम में भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए और किसी प्रकार का अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसे हटाए जाने का काम किया जाना चाहिए। इसमें लगातार काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तकरीबन 20 के आसपास हम लोगों ने प्लॉट है, उसका पूरा एरिया को हम लोग अभी नाप रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। उस टीम को नापने के पश्चात हम लोग तय कर पाएंगे कुल कितनी जगह से हमारा इंक्रोचमेंट हटा है और कुल कितनी कीमत की ज़मीन को हमने यहाँ से खाली करवाया है।